मेरे प्रिय छात्रों, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 11 और क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड्स के विद्यार्थियों के लिए मैं सिलेबस में मेंशन्ड जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के हर लेसन को मैं पढ़ाऊंगा। आज से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देंगे, बिल्कुल फ्री, नो चार्ज। तो अब मैं पहले उस टॉपिक को शुरू करूंगा जो क्लास 11 और 12 दोनों में कॉमन है। आप जानते हैं कि क्लास 11 में सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है सेट थ्योरी, और 12 में भी है सबसे पहला टॉपिक सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में 11 में रिलेशन पढ़ना है, 12 में भी सेट थ्योरी में रिलेशन पढ़ना है। तो चूंकि दोनों में ही रिलेशन है, लेसन होता क्या है, बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 12 में रिलेशन को पढ़ना समझना चाहते हैं, लेकिन 11 में वो ठीक से उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त किए हैं, तो 12 के स्टूडेंट्स रिलेशन को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए मैं सोचा हूं कि सेट थ्योरी 11 का जो पार्ट्स है उसको मैं शुरू करूंगा, इसलिए कि 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वे भी इससे काफी लाभान्वित होंगे। तो मेरे लेक्चर से 11, 12 दोनों के जो विद्यार्थी हैं समान रूप से उनको लाभ मिलेगा। तो अब मैं टॉपिक सेट थ्योरी पर लेसन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स, देखिए हेडलाइन ग्रुप में मैं लिखा हूं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स। तो जब तक आप सेट्स का बेसिक कंसेप्ट्स नहीं बनाएंगे तब तक सेट थ्योरी को आप ठीक से समझ नहीं सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, सेट थ्योरी इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। आप 11, 12 पास करने के बाद जब अपर हायर क्लास में जाएंगे, बीएससी ऑनर्स, एमएससी में जाएंगे, इंजीनियरिंग साइंस पढ़ने के लिए पहुंचेंगे, तो मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है प्योर मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स में जितने भी चीजें पढ़नी है उस सब का बेस जो है सेट थ्योरी होता है, और सेट थ्योरी को ठीक से नहीं आप पढ़ते हैं, इससे भागते हैं, उसी का नतीजा है कि हायर क्लास में पहुंच तो जाते हैं लेकिन उसके टॉपिक को आप समझ नहीं पाते। तो आप याद रखेंगे मेरी बात, सेट थ्योरी इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। सेट थ्योरी यानी समुचे सिद्धांत गणित की नींव है, मैथमेटिक्स का ये फाउंडेशन है। तो आपका फाउंडेशन जितना ही स्ट्रांग होगा आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए सेट थ्योरी को नेगलेक्ट लोग कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। सेट थ्योरी को नेगलेक्ट करने का नतीजा उनको मिलता है लाइफ में। जो स्टूडेंट सेट थ्योरी को खूब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि 11, 12 तो आप बढ़िया ढंग से आप निकाल ही लेंगे, साथ साथ हायर क्लास में जाएंगे तो आपको कोई भी वहां का टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको जो अपनी बात थी मैं सब आपको बता दिया, ताकि हमारी बात को समझ सकें कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या इशारा कर रहा हूं। और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ 11, 12 का कॉमन टॉपिक। उसके बाद 11 का टॉपिक अलग पढ़ाऊँगा उसके सभी लेसन्स को, फिर 12 के सभी टॉपिक्स को पढ़ाऊँगा, सारे लेसन्स को पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ध्यान देंगे, ऐसा टॉपिक जो 11 और 12 दोनों में कॉमन है, ताकि 11, 12 के विद्यार्थी को समान रूप से लाभ मिल सके। तो अब मैं विषय वस्तु पर आता हूँ। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस को मैं क्लियर करूँगा एग्जाम्पल दे करके। तो मैं डिफिनेशन लिखूँगा, समझाऊँगा और उस पर एग्जाम्पल देके डिफिनेशन को स्पष्ट करूँगा। मैथमेटिक्स में डिफिनेशन रटने से याद नहीं होता है, डिफिनेशन तो याद करना ही चाहिए, लेकिन डिफिनेशन तभी याद रहेगी जब एग्जाम्पल से उस डिफिनेशन को आप समझेंगे। तो मैं सेट थ्योरी में जितने भी डिफिनेशंस हैं इम्पोर्टेंट, एक एक करके हर डिफिनेशन को विथ एग्जाम्पल्स क्लियर करूँगा। आप जान लीजिए मैथमेटिक्स में पहले डिफिनेशन आता है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि पहले डिफिनेशन पर हैं। डिफिनेशन जब क्लियर हो जाएगा तब थ्योरी आती है, जिसको आप थ्योरम कहते हैं। थ्योरम का प्रूफ पढ़ते हैं। थ्योरम का प्रूफ बिना डिफिनेशन को समझे कोई नहीं समझ सकता है, ना कोई समझा सकता है। तो पहले डिफिनेशन, फिर याद करें थ्योरम्स, और तब डिफिनेशन और थ्योरम के एप्लीकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लोग क्या करते हैं, सीधे प्रॉब्लम पर उतर जाते हैं, प्रॉब्लम पढ़ाने लगते हैं। आप प्रॉब्लम पढ़ने लगते हैं, प्रॉब्लम बनाने लगते हैं बुक से, इसलिए आप फेलियर होते हैं। तो याद रखें हमारी बात को, पहले डिफिनेशन को ठीक से समझें, फिर डिफिनेशन पर बेस्ड थ्योरम्स को समझें, तब डिफिनेशन और थ्योरम को दिमाग में रखकर आप प्रॉब्लम पर उतरे। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं उस टॉपिक में मिलेगा जो कि आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे प्रॉब्लम को स्ट्रांगली आप टेकअप करेंगे, उसके लिए क्या रहस्य है मैं आपको समझाया। तो आप याद रखेंगे इस सेंटेंस को, पहले डिफिनेशन, फिर थ्योरम्स, तब प्रॉब्लम। यही पढ़ने और पढ़ाने का सही तरीका है। तो अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स के अंतर्गत इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा सेट को। व्हाट इज सेट? सेट क्या है? तो कहता है ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैं जो ही बोलूँगा लिख कर बताऊँगा, लिख कर समझाऊँगा। देखें, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects A set is a well defined collection of objects। कहता है कि सेट क्या है, तो सेट ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। It is denoted, it is denoted by capital letters such as कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ईटीसी। तो वी रिप्रेजेंट एनी सेट by a capital letter such as ABCD etc. A set cannot be denoted by a small letter. आप याद रखेंगे एग्जाम्पल लेट ए पहले आप यह जाने कि किसी सेट ए को मिडिल ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं और सेट ए जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का यानी एलिमेंट्स का तो सेट ए के एलिमेंट्स को इसी मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे दे करके लिखते हैं। यही रूल है। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं लेट ए इज इक्वल टू एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 तो हियर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर ए एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटेन विद इन ए मिडिल ब्रैकेट बाय गिविंग कॉमाज। तो आप समझ गए कि किसी सेट ए को मिडिल ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और सेट के एलिमेंट्स को इसी मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे देकर लिखते हैं। तो हियर ए इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 ऐसे बोलेंगे। अब इसमें दो सिंबल का यूज करेंगे बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। तो ये जो सिंबल है ऐसे लिखा जाता है। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। याद रखेंगे बिलोंग्स टू में रहता है और एक सिंबल बिलोंग्स टू को कट कर देंगे। इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू में नहीं रहता है। These two symbols are used in set theory. Here, अब symbols का यूज बता रहे हैं। Here, one belongs to A. आप लिख सकते हैं क्योंकि वास्तव में वन A का एलिमेंट है। वन ए के अंदर एलिमेंट के रूप में है, देख रहे हैं। सो वन बिलोंग्स टू ए मतलब वन ए का एक एलिमेंट है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है दैट इज वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए। समझा रहे हैं। आप वन बिलोंग्स टू ए लिखते हैं, इसका सीधा यही अर्थ हुआ कि वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए। सिमिलरली टू बिलोंग्स टू ए, थ्री बिलोंग्स टू ए, देखिए 4 बिलोंग्स टू ए, 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। बट यदि हम आपसे कहें 6 बिलोंग्स टू ए करेक्ट है या फॉल्स तो क्या कहेंगे? 6 तो ए के अंदर है नहीं, 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए मतलब 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। 6 के विषय में क्या लिखेंगे? 6 does not belong to A, अर्थात that is 6 is not an element of A. यह इनिशियल कंसेप्ट में दे रहा हूं सिंबल्स का, कहां पर कैसे लिखेंगे, तो आप समझ गए बिलोंग्स टू का प्रयोग तब करेंगे जब एलिमेंट सेट के अंदर होगा यानी सेट का एलिमेंट होगा। डज नॉट बिलोंग टू का यूज कब करेंगे, जब एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं होगा यानी सेट ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू का क्लियर जो यूज है, इस्तेमाल है, आप समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट ए सेट, हम किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका उत्तर है कि वी रिप्रेजेंट एनी सेट इन टू वेज। फर्स्ट वे इज टेबलर फॉर्म, सेकेंड वे इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक की पॉइंट मैं लिख दूं, देखें की पॉइंट अर्थात इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेट का जो एलिमेंट होता है, जिसको आप ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, उसको हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से कभी नहीं। तो ध्यान देंगे, किसी सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, मैं ऊपर बताया, लेकिन सेट के एलिमेंट्स को यदि लेटर्स में लिखना है, डिजिट में नहीं, तो स्मॉल लेटर्स से ही उसको लिखेंगे, याद रखेंगे। इसलिए मैं लिख देता हूं की पॉइंट द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट आर the elements of any set are written in small letters, not in capital letters. Not in capital letters. ये इंपॉर्टेंट नोट है। यदि किसी सेट के एलिमेंट्स को आप डिजिट में नहीं लेटर्स में लिखना चाहते हैं तो याद रखेंगे स्मॉल लेटर्स का ही प्रयोग करेंगे, कैपिटल लेटर का कभी नहीं। For example, सेट को तो कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, बता दिए हैं। तो कोई सेट है कैपिटल है, अब इसके एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट के अंदर यदि लेटर्स में लिखना चाहते हैं, डिजिट में नहीं, तो स्मॉल लेटर का ही यूज करेंगे। कहने का मतलब इसका एलिमेंट स्मॉल ए लिखा जा सकता है, बी, सी, डी, इस तरह से। तो क्लियर हो गया, किसी सेट को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखेंगे और सेट के एलिमेंट्स को यदि डिजिट्स में नहीं लिखते हैं, लेटर्स में लिखते हैं, तो स्मॉल लेटर्स का ही यूज करेंगे। तो मैं आपको यह क्लियरफाई कर दिया कि ऐसी भूल नहीं करेंगे, सेट के एलिमेंट्स को यदि लेटर्स में लिखना है तो स्मॉल लेटर्स का ही प्रयोग होगा, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं की पॉइंट में लिखा हूँ। ये पहला दिया आपको डायरेक्शन, दूसरा की पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, हाँ दूसरा की पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। इसमें एक अच्छी जानकारी आपको देना चाहता हूँ इस की पॉइंट के अंदर कि सेट थ्योरी जो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, इसका इन्वेंटर कौन था। तो ए जर्मनी मैथमेटिशियन नेम्ड जॉर्ज कैंटर फर्स्टली इन्वेंटेड द सेट थ्योरी। थोड़ा सा जानना चाहिए, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं सेट थ्योरी is invented by a German mathematician जॉर्ज कैंटर, जॉर्ज कैंटर। तो एक जानकारी की बात हो गई, इसलिए मैंने की पॉइंट नंबर 2 में लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि जर्मन के एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, उसने ही सबसे पहले सेट थ्योरी को इन्वेंट किया, खोज किया और ये अमर हो गए। आपको मैं जरा सा इसमें और अच्छी बात लिख देता हूं जो मैंने बोला था, सेट थ्योरी इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। बड़ा ही गुड लाइन है। सेट थ्योरी इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। सेट थ्योरी गणित की नींव है, फाउंडेशन है। कहने का सेंस है कि ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, स्पेशली ऑफ प्योर मैथमेटिक्स, आर टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी विच यू हैव रेड इन अपर हाई क्लासेज। तो आप समझ रहे होंगे कि सेट थ्योरी का कितना इंपॉर्टेंस है। यह मैथमेटिक्स का फाउंडेशन है, बेस है। तो अब मैं सेट थ्योरी के डिफिनीशन को एग्जाम्पल से क्लियर किया, उसका जो इनिशियल कंसेप्ट था मैं सब समझा दिया अच्छे ढंग से। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेट्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। किसी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो मैं समझता हूं कि आप आज के इस वीडियो लेक्चर को काफ़ी पसंद करेंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स, सेट के डिफिनीशन को मैंने स्पष्ट किया एग्जाम्पल के साथ। उसमें बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू का जो सिंबल था उसका सही यूज सिखाया। कुछ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स थे उसको मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, मैं बस तुरंत ही लाऊंगा। तो वैसे विद्यार्थी जो आज पहली बार मेरे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वे मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, ताकि आपका होल फ्रेंड सर्किल मेरे लेक्चर से लाभान्वित हो आपके साथ साथ। इसलिए आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, मेरे चैनल के विषय में आप जानकारी देंगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं बहुत जल्द में ही दूंगा।